साथ वेबटी लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं उसको देखते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी शायद इस बात का एहसास है कि कुछ लोग महागठबंधन में दरार पैदा करने लगे हैं। जी हाँ, करने में लगे हुए हैं ऐसा उनको लग रहा है। तभी उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए महागठबंधन को टूटने नहीं, या महागठबंधन को टूटने नहीं देंगे, महागठबंधन टूटने नहीं वाला। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने किसी नेता का नाम लिए बगैर ही कहा कि जनता बयान वीरों के साथ नहीं है। जी हाँ, उन्होंने बिना नाम लिए ये बात कही कि जनता बयान वीरों के साथ नहीं है बल्कि महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ है। वहीं इसी क्रम में उन्होंने रामचरित्र मानस को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया। दरअसल रामचरित्र मानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से उत्पन्न विवाद पर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश का सबसे पवित्र ग्रंथ भारत का संविधान है और देश उसी से चलता है। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत सबको ये आजादी है कि वह अपनी बात रखे, पर संविधान ये भी कहता है कि हर धर्म का मान सम्मान दिया जाना चाहिए, या हर धर्म को मान सम्मान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्यों ना दे, ये हमारा संविधान कहता है। उन्होंने कहा कि इस पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यानी कि तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री के बयान को उनका व्यक्तिगत राय बताने की कोशिश की है कि उन्होंने इशारों में कहा कि किसी भी धर्म को मुद्दा नहीं बनाए। सही बात है, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा तो शिक्षा, रोजगार और महंगाई है। जी हाँ, मुद्दा यही है, धर्म कोई मुद्दा नहीं है। इस पर क्यों नहीं चर्चा करते, उन्होंने सवाल किया, चर्चा इस पर क्यों नहीं करते। इसके साथ ही बयान वीरों को उप मुख्यमंत्री ने ये नसीहत दी है कि वे मुद्दे की बात करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि बयान वीरों को ये लगता है होगा कि चलो कोई लाइन मिल गया और उन्हें इससे मानसिक संतुष्टि मिलती होगी, इस पर इससे कुछ नहीं होने वाला। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा फिर से अपना एजेंडा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान और कश्मीर तय करने में लगी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हाल में ही भाजपा के दो शीर्ष नेता बिहार आए थे, यही ट्रेनिंग देकर गए होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि यही नहीं, अब ईडी व सीबीआई भी आएगी और तेजस्वी के पास बहुत संपत्ति है, इस पर मुकदमा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग तो जी हाँ 1.5 साल से साजिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जो बयान वीर इन दिनों अपने बयान के बाद चर्चा में हैं उनके साथ जनता थोड़ी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और हमें ये पता है कि कौन कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले ये भ्रम फैलाया गया कि नीतीश कुमार उप राष्ट्रपति हो रहे हैं, इसके बाद कहा कि गवर्नर हो रहे हैं, फिर केंद्र में मंत्री बनाए जाने की बात फैलाएंगे। देखिए अफवाहों का बाजार किस तरह से बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग ये साजिश करते हैं क्योंकि भाजपा को 2024 का डर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने हमें ये समझाया है कि विवेक और धैर्य ताकत है और हम विवेक से काम कर रहे हैं। इस तरह तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए बयान वीरों को नसीहत दी है कि भाजपा को पिच पर नहीं उतरने दें। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वे महागठबंधन को टूटने नहीं देंगे। अब देखना यह है कि बयान वीरों के बीच महागठबंधन की एकता सलामत रहती है या नहीं। फिलहाल तो ये रिपोर्ट यही रहती है। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।